मैं बंदर नहीं बनूंगा। मेरा छोटा भाई आसिम बहुत शरारतें करता था। सारे घर वाले इसकी शरारतों से तंग रहते। एक रोज उसने कूटे से बंधी गाय को खोल दिया। गाय खेतों में दूर तक निकल गई। तमाम घर वाले सारा दिन गाय ढूंढते रहे। एक दफा की बात है, आसिम ने अम्मी के जूते छुपा दिए। वो जूते अम्मी किसी शादी में पहनकर जाने वाली थी। अम्मी ने हर जगह तलाश किए। सारा घर परेशान था कि जूते गए तो कहाँ गए। आखिरकार उसके खिलौनों के डब्बे में पड़े मिले। अम्मी ने आसिम को खूब डांटा। हमारी बत्तख ने पीले पीले चूजे दिए। एक रोज आसिम ने चूजों को मटके में डुबो डुबो कर धोना शुरू कर दिया। वो तो शुक्र है दादी ने देख लिया। वो दौड़ कर गई और चूजों को पानी से निकाल कर उनकी जान बचाई। एक दिन उसने बाजी की होमवर्क कॉपी पर फूल पत्तियां बना दी। अभी वो बना ही रहा था कि बाजी आ गई। कॉपी का हशर देखकर बाजी ने इसके अच्छी तरह कान मरोड़े। उस रोज अम्मी ने आसिम को समझाते हुए कहा, देखो हर वक्त शरारते बंदर करते हैं, ऐसा ना हो कि रोज रोज शरारत करते करते एक दिन तुम भी बंदर बन जाओ। आसिम डर गया। अक्सर अपना मुंह आईने में देखता कि कहीं बंदर ना बन गया हो। एक दिन अम्मी से पूछने लगा, अगर रोज रोज शरारत करना छोड़ दूं, फिर तो बंदर नहीं बनूंगा। अम्मी ने हंसकर जवाब दिया, नहीं फिर बंदर नहीं बनोगे। आसिम शरारते अब भी करता है, मगर हर वक्त नहीं, बस कभी कभी। लेकिन हर सुबह आईने में अपना मुंह देखना नहीं भूलता।